अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप यू फाइन। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मूड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप CS 607 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन किस तरह से बना सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट सोल्यूशन शेयर करूंगी। सो अगर आप लोग वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल का विजिट करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होता है, उस पर बस आपने जस्ट क्लिक करना होता है और लाइक के बटन भी क्लिक करना होता है। सो वीडियो बनाने में और असाइनमेंट्स के सोल्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। सो प्लीज़ आप लोगों का यही एक काम होता है कि आपने वीडियो को लाइक लाजमी देना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। सो प्लीज़ हम जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें। मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ 607 का सोल्यूशन शेयर करूँगी। मेरे पास टाइम नहीं था, बट कमेंट्स आ रहे थे इसके और SMS का आ रहे थे स्टूडेंट के, मैम इसका सोल्यूशन शेयर कर दें। तो जो है काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था मेरा, उसने मेरे साथ ये सोल्यूशन शेयर किया कि मैम आप इसकी वीडियो बना दें, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है। सो मेरे पास तो ये क्वेश्चन फाइल ही नहीं थी क्योंकि मेरी अपनी तो स्टडी कंप्लीट है। MCS मैंने किया हुआ VU से 2 ईयर्स पहले, तो मेरी अपनी कोई असाइनमेंट्स नहीं होती। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही होती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन फाइल ही नहीं थी, तो आज ही मुझे जो है स्टूडेंट्स कमेंट की जा रहे थे, फिर स्टूडेंट ने ही मेरे साथ एक ने सोल्यूशन शेयर किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद भी इस पर सर्चिंग की है। ठीक है। ये वेबसाइट्स वगैरह से और यूट्यूब से काफ़ी सर्च किया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत जो है ट्रिकी सा है, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही, ना ही उसमें बताया गया है कुछ एक्स वाई वैल्यू का। ये जो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ग्राफ दे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं वैल्यू, ये एक्स वाई फार्मूला दे दिया कि डिस्टेंस फाइंड करें। बट हैंडआउट से इस भी हैंडआउट्स में भी मैंने सर्च किया, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है। और इस दफ़ा असाइनमेंट सारी बहुत ही टफ आ रही हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा बीच में होता है कि वो हैंडआउट से भी नहीं हेल्प मिल रही होती और कहीं से भी गूगल करने से भी और जो है यूट्यूब से भी। मैंने इसको कैसे फाइंड करते हैं सर्च की काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन मैं सॉल्यूशन उसका शेयर करने के बाद ही मैंने ऐसी कभी वीडियो नहीं बनाई। ठीक है। जस्ट फर्स्ट ये वीडियो है जो कि स्टूडेंट ने सोल्यूशन दिया, तो जो है मैंने फिर भी इस पर काफ़ी 2 घंटे पूरे मैं इस पर सर्चिंग करती रही हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ मिले इसका। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर पाऊँ, समझा पाऊँ आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से डिस्टेंस फाइंड किया गया। बट यहाँ पर कोई ना तो एक्स फाई वैल्यू हैंडआउट्स में कुछ मिल रहा है ना कुछ इसका। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को ये ठीक लग रहा है तो आप इसको जो है लाजमी राइट कीजिए ऐसे ही। बट नहीं, अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं, बट मैंने तो काफ़ी की, मुझे कोई टॉपिक नहीं मिला इसका गूगल से, ना कोई हैंडआउट से, ना कहीं से कुछ नहीं मिला। तो आप लोग खुद से कर लें सर्चिंग, ठीक है, और इसको आप जो है वो सॉल्व कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी मुझे हैंडआउट से हेल्प मिली है। हमने भी हैंडआउट्स वगैरह से गूगल करके और यूट्यूब से सर्च करके कंसेप्ट क्लियर आप लोगों को करवाने होते हैं। ठीक है। असाइनमेंट्स के जो कि हैंडआउट्स से मिल जाते होते हैं अक्सर, आप लोग असाइनमेंट्स हैंडआउट से आती हैं, बट इसका तो कोई डाटा नहीं दिया हुआ है हैंडआउट्स के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को जो है मिल रहा हो तो आप मेरे साथ भी कमेंट में शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए। मेन मकसद बच्चों की हेल्प करना होता है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें उन्होंने हमें कहा था ये लेवल्स दिए हुए हैं, तो इसका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हैंडआउट्स के अंदर। ये जो है यहाँ पे विजिटेड नोड का यहाँ बताया हुआ, पिछले सेमेस्टर के असाइनमेंट्स में ये विजिटेड नोड का आया हुआ था, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो इसका विजिटेड नोड का यहाँ पर बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कैसे वो विजिट करती हैं एक नोड से दूसरे नोड पर विजिट कैसे करती हैं और विजिटेड नोड कौन सी होती हैं। ठीक है। क्यों कौन सी बन रही हैं, तो ये इसका बताया हुआ है, इसमें टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है। ये हैंडआउट्स के अंदर तो ये मैं ये लेवल 0 पे हैं। ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे ये हमने विजिट करना होता है। इसका लेवल 0 पे हैं, तो हैंडआउट्स पे तो यहाँ पे क्यू बन रही होती हैं, यहाँ पे लेवल 0 का उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। तो लेवल 0 पे ये लेवल 0 होता है, ये 1। ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है। और ये 3 नंबर पे जो नोड आ रही होती हैं वो लेवल 2 होता है, और लास्ट पे जो चाइल्ड नोड होती हैं वो हमारा लास्ट वाला लेवल 3 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले लेवल 0 से हम विजिट करते हैं, तो 0 से हम जब जो है सॉरी विजिट करेंगे तो हमारा विजिटेड नोड जो है, ठीक है, आर हमारी क्यू है, ठीक है, नोड है, लेवल 0 भी है, और यहाँ पर जो है विजिटेड नोड भी हमारी जो है वो आर ही होगी। ठीक है।
उसके बाद हम लेवल टू पे जाएंगे, ठीक है, लेवल वन पे, जीरो के बाद लेवल वन है। तो अब लेवल वन पे हमने जाने हैं, तो लेवल वन पे जाने से पहले हमने साथ में जो पिछले वाला लेवल होगा, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, उसके जब विजिट करेंगे तो उसका भी साथ में करेंगे, ठीक है, वो भी विजिट नोट बनेंगी। अब लेवल वन पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आर जो कि पहले से है, आर पे आएगी, नोट पे आएंगे, तो फिर नेक्स्ट ए पे नोट पे विजिट करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे ही आर से बी पे, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे ही जब हमारी थर्ड नोड पे आएंगे तो पीछे से जो विजिट हमने कर ली एक दफ़ा, उसको दोबारा से फिर हम नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए पीछे से विजिट फिर दोबारा से करेंगे, उसको साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो लेवल टू पे यहाँ पे आर है, और उसके बाद दोबारा जीरो नोड से आर नोड से विजिट किया, ठीक है, ए से, और फिर ए से यहाँ पे हम सी पे आएंगे, ठीक है, ऐसे ही फिर आर से और यहाँ पे सी पे, ई पे, एच पे, ठीक है, इस तरह हम इसका विजिट करते जाएंगे। हैंड आउट्स में भी इसका अच्छी तरह क्लियर किया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से भी इसको कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थोड़ी सी ये मुश्किल है असाइनमेंट्स, ठीक है, तो आप जो है इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें, पेपर्स में भी ये आ जाता होता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नोड हैं, तो लास्ट पे भी इस तरह से सेम हम क्या करेंगे, उसका जो पीछे से विजिट किया है तो उसका हम विजिट करेंगे, तो थर्ड हमारे पास लेवल पे ये आ जाएगी विजिटेड नोड, ठीक है, आर ए सी, ठीक है, ये सारी दी हुई है यहाँ पे। सो ये थी इसकी असाइनमेंट्स का सलूशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और आप लोग देख लें आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तो ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, मुझे तो लग रहा है उसने काफ़ी मेहनत से बनाया है ये सोल्यूशन, सर्चिंग करके खुद से और कंसेप्ट क्लियर करके, तो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है स्टूडेंट्स ने भी और मैंने भी की है खुद से, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल का विजिट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो है फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों को कहीं से कोई हेल्प मिले तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आप लोग ये फाइल लेना चाहते हैं तो जो है वो भी आप लोग फाइल लेने के लिए आपने सबसे पहले वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है और लाइक देना है और अच्छे से कमेंट देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, देन मुझसे जो है आप मेल के थ्रू फाइल ले सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप ले सकते हैं, बट बेटर है कि आप मेल के थ्रू मेल करें, तो मैं आपको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको जो है फाइल दे दूंगी ये, ठीक है, इसमें आप एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। और जो है ये फाइल लेने से पहले आप लोगों ने लाजमी जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। और दूसरा मैं आप लोग को बताती चलूँ कि आप चैनल का विजिट करें लाजमी से, और यहाँ पे अगर आप लोग प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड हेल्प चाहिए, कोई भी किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स बनवाना है, ठीक है, या फिर असाइनमेंट्स वगैरह, तो आप लोग जो है हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स में आप लोग जो है वो बनवाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग खुद बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसा डिज़ाइन, तो प्ले लिस्ट में आए, यहाँ पर कुछ लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं बुक्स के, और साथ में जो है टेस्ट फेस वाइवेज से रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं और एसआरएस डिज़ाइन बनाने की कंप्लीट प्लेलिस्ट हैं, तो आप यहां से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। विजिट किया करें, जो यहां पे लोगो आ रहा होता है चैनल का, उस पर लिंक क्लिक करके आप चैनल का लाजमी विजिट किया करें, ताकि आप लोग देखे करें कि इससे हमारे लिए रिलेटेड क्या मवाद पड़ा हुआ है, उससे फ़ायदा उठाया करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।